अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम कोफ्ते बना लेंगे। उसके लिए मैं खीमा ली, खीमे में हरी मिर्च, कोथिंबीर, पुदीना पीस ली, पीस के इसमें मिला ली। अब इसमें हम दाल मिला लेंगे। कोफ्ते नरम होते इसलिए चने की दाल डाल लेते हैं। मैं यहाँ पे मूंग की दाल डाल ले रहा हूँ, आप कौन सी भी दाल डाल ले सकते हैं। और नमक, अदरक लहसुन, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, काली मिर्च का पाउडर। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर ले को थोड़ा हम दस्ते में कूट लेंगे इसको। देखो पूरा मिक्स कर लेने के बाद में इसको थोड़ा सा हाथ को तेल लगा लेंगे। तेल लगा के कोफ्ते बना लेंगे उसको। कोफ्ते को अच्छा टाइट कर लेना गोश्त को। उसके बाद इस तरह गोल गोल कर लेना। कोफ्तों को इसलिए इस तरह तैयार कर लेना। अब इसको गरम कर लेना। पहले मैं थोड़ा पानी डाल लिया, अब इसको गरम कर लेंगे सारे कोफ्तों को, दाल को। तेल उसमें कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ पानी में गरम कर लेना। थोड़ी देर ढाप के गरम कर लेंगे कोफ्तों को। गरम कर कोफ्तों को उबाल ली मैं। थोड़ा इसका स्टॉक रख लेना घी में डालने के लिए, इसलिए थोड़ा सा एक कप उतर रख ली। अब इसको बघार लेंगे। तेल गरम कर लिया, अब इसमें मसाला डाल लेंगे। ये खोपरा है, खसखस, प्याज, तीनों चीज़ों को मिक्स करके पीस ली। अब इसको बघार लेंगे। बिस्मिल्लाह है। बाजार में हम हल्दी डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान। मसाले को भुनने तक कोफ्तों को नहीं डाल लेना, पहले मसाले भुनने को डाल लेना। लाल मिर्च पाउडर, तेल छूटने तक अच्छा लाल होने तक भून लेंगे। इसमें थोड़ा अदरक लहसुन डाल लेंगे। हम कोफ्तों में भी डाल लिया अदरक लहसुन, थोड़ा मसाले में डाल लेंगे। जो मिक्सर में मसाला पीस ली थी ना, उसमें पानी डाल ली थी, थोड़ा डाल लेंगे इसमें। अब इसको भी थोड़ी देर पकने देंगे। अब इसमें हम दो चम्मच दही डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। दही डालते वक्त गैस की फ्लेम स्लो कर लेना और इसमें हम कोफ्ते डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। कोफ्ते डालने के बाद एक जो दो चार मिनट इसको ढाप के पकने देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसमें आधा नींबू निचड़ लेंगे। बिस्मिल्लाह रहीम। कोफ्ते का सालन कैसा लगा आप कमेंट में बताना मेरे को। और जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दो लाइक करें। अब इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कोफ्ते का सालन, जवारी की रोटी, खुशका, जीरा राइस, कैसे भी आप खा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।